हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिलाष और मैं आज आपको बताऊंगा कि मीशो ऐप में ऑर्डर बुक कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा मेरे शेयर किए हुए कैटलॉग्स पे। तो आप देखेंगे मैं अकाउंट ऐप में गया, माय शेयर कैटलॉग में गया। ठीक है, अभी जहाँ से भी आपको ऑर्डर आया होगा वो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं शेयर किया होगा, तो वही फ़ोटो देख के किसी ने ऑर्डर दिया होगा, तो वो आपको यहाँ शेयर कैटलॉग में आके देखना होता है। ठीक है, मैंने ये घड़ी शेयर की थी, मुझे इस घड़ी का ऑर्डर आया। तो देखिए मैं इस ऑर्डर को कैसे बुक करता हूँ। तो मैं इस घड़ी पे गया और मैंने इस ऑर्डर को बुक करने के लिए मैंने इसे यहाँ पर एड टू कार्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये एड टू कार्ट में चली जाएगी। उसके पहले मुझे देखना होता है कि घड़ी का साइज़ वगैरह क्या है, तो मैं यहाँ से साइज़ चेक कर लेता हूँ। डिस्पैच कितने दिन में होगा वो देख लेता हूँ, शिपिंग के कोई चार्जेस है या नहीं वो देख लेता हूँ। ये बेसिक चेक हमको करना होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चेक करना होता है, मैं वो भी करके आपको बताता हूँ, एक मिनट। जैसे मैं सपोज़ मैंने ये घड़ी के अलावा कुछ और अपन चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कोई सूट समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सूट हो गया, ये सूट, अब ये सूट मुझे बुक करना है, तो मैं इस सूट पे गया। अच्छा, इस सूट पे गया तो इस सूट का एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है 625 रुपीज़। ठीक है, तो 625 में मैं इसको सेल मतलब खरीदूँ, रिसेल करेंगे तो हम लोग ऑब्वियसली किसी को 750-800 रुपये का रेट बताते हैं, तो उतने रुपए में हम उसको शेयर करेंगे। लेकिन जब हम इसको ऑर्डर बुक करने जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 3 रेट और दिख रहे हैं इस जगह पे। देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, यहाँ पे 625 है, यहाँ पे श्री मारुति इंटरप्राइज इसको 613 रुपीज़ में बेच रहा है, आरवी फैशन 624 में और टीएम ट्रेवल 664 में। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि मीशो ऐप में यही सूट तीन अलग अलग शॉपकीपर सेल कर रहे हैं, तो तीनों का रेट अलग अलग है। ठीक है, तो हम तो रिसेलर्स हैं। ठीक है, हमें ये देखना है कि हमें सस्ता कहाँ से मिल रहा है, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम उससे खरीदेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 625 रुपये का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और नीचे श्री मारुति इंटरप्राइजेस 613 रुपये में इसको बेच रहा है। ठीक है, तो अच्छा खासा डिफरेंस है, 8-10 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर पड़ रहा है। तो मैं ये जो सूट है ख़रीदूँगा किससे, श्री मारुति इंटरप्राइजेस से। देखो, तो श्री मारुति इंटरप्राइजेस में गया तो अब वही सूट मुझे 613 रुपये का पड़ेगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से मैं को यहाँ पर ऑर्डर बुक करते टाइम ये ध्यान देना होता है कि जो चीज़ मैं ऑर्डर बुक कर रहा हूँ वो कोई और शॉपकीपर सस्ते में तो नहीं बेच रहा, अगर सस्ते में बेच रहा है तो फिर हम लोग उनसे इस ऑर्डर को परचेस करेंगे। साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस शॉपकीपर से हम वो ऑर्डर परचेस कर रहे हैं उसको मीशो ने रेटिंग क्या दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते थे मीशो ने इसको 3.7 की रेटिंग दी हुई है श्री मारुति इंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ कि ये ठीक ठाक माल सप्लाई कर देगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट का हम ऑर्डर लगाना शेयर करते टाइम तो वो स्टॉक में होता है और जब ऑर्डर लगाने आप जाओगे तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ में कभी आई तो आप बस उस पर जाइए और उस ऑर्डर लगाने पर आप प्रेस कीजिए। ठीक है, अगर ये आउट ऑफ स्टॉक भी है तो बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए कि ये जैसे स्टॉक में आता है तो ये मुझे नोटिफाई करेगा, है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं आप। जैसे ये अनस्टिच आउट ऑफ स्टॉक है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये क्या बोल रहा है, डू यू हैव एन ऑर्डर फॉर दिस, मैंने लिखा यस, मेरे पास इसका ऑर्डर है, तो ये क्या होगा, कल तक स्टॉक में आ जाएगा, फिर आप इसका ऑर्डर कल लगा सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से हमें जो है कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है लगाना होता है, चूज़ करना होता है। चलिए ठीक है, आप ऑर्डर लगा के देखते हैं। तो मैंने एड टू कार्ट पर इस प्रोडक्ट को क्लिक किया, यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई आ रही, मुझे क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। अगर साइज़ का ऑप्शन दे रहा हो तो यहाँ पे आपको साइज़ चूज़ कर लेना है, स्टिच अनस्टिच जो भी है, कंटिन्यू कर दिया मैंने। ठीक है, ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया, यहाँ से मैं चेकआउट कर सकता हूँ। ठीक
करके, या फिर यहाँ पे ऊपर भी है ऑप्शन, यहाँ पे ऊपर भी ऑप्शन है जहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, तो आपके ऊपर है। मैंने चेकआउट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं पेमेंट मेथड। यहाँ पे चार तरीके के ऑप्शन अपने पास अवेलेबल होते हैं। हम चाहें तो ऑनलाइन पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑप्शन से नेट बैंकिंग से क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन मीशो देता है। प्रोडक्ट पहुंचने पर पेमेंट करना रहेगा, किसी को पेटीएम से पेमेंट करना है पेटीएम से, किसी को फ़ोनपे से पेमेंट करना है फ़ोनपे से। मैं कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफर करता हूं क्योंकि जब सुविधा है तो उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं उसका एक्चुअल कॉस्ट लिखा हुआ है 613 रुपीज़ में हमको पड़ रहा है। शिपिंग चार्जेस मीशो हमसे नहीं ले रहा है, कैश ऑन डिलीवरी का चार्जेस हमसे नहीं ले रहा है। जो रेट है ये हमको 613 रुपये ही यहाँ पे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है हमारे लिए, हम ज़्यादा मार्जिन अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं कि जो हमने चूज़ किया सही आया है कि नहीं। इसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं प्रोसीड पर। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा कैश टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। ये यहाँ पर हमें वो प्राइस लिखना है जो हमने कस्टमर को बताई। फॉर एग्जांपल इस सूट की मैंने कस्टमर को प्राइस बताई है 750, ठीक है। जैसे मैं यहाँ 750 डालूँगा तो इस जगह पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमारा मार्जिन कितना हो रहा है ये हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा मार्जिन हो रहा है 137 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो प्राइस आप यहाँ डालेंगे वो आपका कस्टमर वो पे करेगा, ठीक है। आप कितने में इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, खरीद पड़ा आपको, वो कस्टमर नहीं देख पाता, ठीक है। कस्टमर को केवल ये रेट मालूम चलता है 750 जो आपने कोट किया उसको, ठीक है। तो आपने इस प्रोडक्ट पे कितना रुपए कमाया है कस्टमर कभी नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रोडक्ट को देखा और फिर से प्रोसीड कर दिया। जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर एड्रेस वाला ऑप्शन खुल जाता है। आपका कोई कस्टमर नया है तो एड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके उस कस्टमर के रिलेटेड पूरा डिटेल डालना है। कस्टमर का नाम डालना है आपको, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है आपको, कस्टमर का पूरा एड्रेस डालना है यहाँ पर आपको। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एड्रेस सही होना चाहिए और पिन कोड होना बहुत ज़रूरी है उसके एरिया का। अगर ये सारी चीज़ें सही है तो कुरियर सही जगह पे पहुँचेगा और आपका कुरियर रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, और आपको लॉस नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर एक पहले से नाम सिलेक्ट किया हुआ है, उस एड्रेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे, और प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे ऑर्डर का एक एस्टिमेट आ जाता है, ठीक है, और प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन नीचे जाता है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, बुक हो जाएगा, ठीक है। और उसका आपको ऑर्डर की जो डिटेल है आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। होम पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑर्डर वाले ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए तो जिस जगह पे आपको जो ऑर्डर आपने अभी बुक किया होगा वो यहाँ पे दिख जाता है। मैंने वो ऑर्डर बुक नहीं किया लेकिन आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने जितने ऑर्डर लगाए थे सारे के सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने उस पर क्लिक करते हैं तो जो ऑर्डर आपने बुक किया था वो यहाँ दिख जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है रिटर्न और ट्रैक, यानी जो कुरियर है जो आपका कुरियर बना उसको ट्रैक करना है कि कहाँ पहुँचा। तो आप इस ट्रैक पर क्लिक करके कुरियर को पर चेक कर सकते हैं। तो ये नीचे से ऊपर तक देखेंगे, जैसे जब ये ऑर्डर मैंने बुक किया था तो उसके बाद डिस्पैच का मैसेज आया, फिर कुरियर निकलने का मैसेज आया, फिर कुरियर कहाँ पहुँचा उसका मैसेज आया, फिर कुरियर अगर किसी कारण से रेट डिले हो रहा है तो उसके बारे में यहाँ पर मैसेज आया, ठीक है। उसके बाद में जैसे कुरियर डिलीवर हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट जो बन रहा था वो मेरे अकाउंट में आ गया, उसका भी मैसेज आया। तो इतना क्लियरली ये बिजनेस कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये बैंक अकाउंट में पैसा आया, उसका मैसेज है। इस तरीके से ये पूरा बहुत ट्रांसपेरेंटली वर्क करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बारे में। रिटर्न क्लेम करना भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न पर क्लिक करें तो सॉरी यहाँ पर ये प्रोडक्ट 7 डेज से ज़्यादा हो चुका है इसलिए रिटर्न क्लेम नहीं कर सकता हूँ। मैं दूसरा ऑर्डर लगा के आपको बताता हूँ, जैसे तो मैंने कैंसिल ही कर दिया था, ठीक है। एक दूसरा ऑर्डर लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वॉच का ही ऑर्डर लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने एड टू कार्ट किया
चेकआउट किया, कैश ऑन डिलीवरी की, प्रोसीड किया, प्राइस डाला, डन, प्रोसीड, ओके, विलास पर नगरी, प्रोसीड, ओके, और ये मैंने ऑर्डर बुक कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली विथ, ये ऑर्डर मेरा बुक हो गया, ठीक है, ये पूरा डिटेल आ गया। अब यहाँ पे नीचे भी ट्रेक और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे इस जगह पे जाए ऑर्डर वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे भी ये घड़ी आ गई जो हमने बुक की थी, ठीक है, इसको हमने ओपन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसको ट्रैक करने का ऑप्शन और कैंसिल करने का ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑर्डर प्लेस एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट 17 सितंबर करके आ रहा है, और मैं कैंसिल पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से इजीली कैंसिल भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे रीज़न पूछ रहा है क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो मैंने लिखा कि इट वॉज अ टेस्ट ऑर्डर, या जो भी कोई रीज़न हो आपका कैंसिल करने का आप डाल सकते हैं, ठीक है, और कैंसिल प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रिटर्न भी यहीं से पुट होता है, ठीक है, जब कभी आपका रिटर्न करने का ऑप्शन आएगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो है ना कितना सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑफर्स क्या होते हैं और किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।